हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भिक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल आंसर की 2022 अफवाहों से सावधान, अभी कोई आंसर की नहीं आया है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आज दोपहर से ही देख रहा हूँ, एक लिंक वायरल किया जा रहा है जिसे बताया जा रहा है कि वो आंसर की का लिंक है और आप लोग अपना आंसर की चेक करो। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल वो फेक लिंक है। एसएससी के ऑफिशियल साइट पर ऐसा कोई लिंक या फिर कोई नोटिस नहीं आया है कि आंसर की आ चुका है सीएचएसएल का, ठीक है। और आप लोग ऐसे लिंक पर क्लिक ना करें क्योंकि इससे बहुत से नुकसान होते हैं, आपके इन्फॉर्मेशन को हैक के लिए तो और भी चीज़ प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई चाहता है उस लिंक को, तो मैं उस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वो लिंक चाहिए कि नहीं चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं आपसे सिंपल सी बात ये कहूँगा कि अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आंसर की के पीछे मत परेशान होइए, अपने मेंस पर फोकस करिए, डिस्क्रिप्टिव पर फोकस करिए, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। और अगर आपको डाउट लगता है कि आपका ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा, प्री क्लियर नहीं हो पाएगा, तो आपके आगे बहुत सारे और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी MTS है आपका, फिर अब न्यू वैकेंसी है 70,000, ऐसे बहुत से ऑप्शंस हैं जहां पे आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। बस ज़रूरत है डेडिकेटेड प्रिपरेशन की, सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन की, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं अभी कुछ चीज़ें आपको सजेस्ट करूंगा जहां से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है, चाहे आपका MTS का एग्ज़ाम हो या फिर आगे जो 70,000 वैकेंसीज आने वाली हैं उनका एग्ज़ाम हो, ठीक है, उनमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है फ्रेंड्स। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल फ्रेंड्स केवल जेन्युइन अपडेट्स दिए जाते हैं, फेक न्यूज़ बिल्कुल नहीं फैलाते हैं। और हमेशा फेक न्यूज़ के खिलाफ आप लोग को सावधान किया जाता है, आप लोग को मालूम होगा जो लोग भी हमारे पुराने व्यूवर्स या सब्सक्राइबर्स होंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, कोई आंसर की नहीं आया है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो शायद हमारे ऐप को भी डाउनलोड नहीं किए होंगे, जो एक नया ऐप लॉन्च किया गया है, ऐप का नाम है टारगेट विद विनय निर्भिक, जो प्ले स्टोर से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। क्या सर्च करना टारगेट विद विनय निर्भिक, या फिर वहां से आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आपको जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा, जहां पे आपको बहुत सारे फ्री सर्विसेज मिलेंगे, आपकी क्वेरीज के सॉल्यूशन मिलेंगे, बहुत सी चीज़ें मतलब फ्री में सॉल्व हो जाएंगे, और फ्री कुछ कोर्सेज वगैरह भी वहां मिल जाएंगे, ठीक है। और कुछ पेड कोर्सेज हैं तो हम पेड कोर्सेज की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप खुद चेकआउट करेंगे, आपको पसंद आएगा तो खुद परचेज कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये स्पेशली एसएससी एमटीएस के लिए बनाया गया है और जीडी के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा कोर्स है, ये एक फुल कोर्स है, मात्र 2500 में है, ठीक है। ये इसकी सेलिंग काफ़ी अच्छी हो रही है क्योंकि स्पेशली जो है इन्हीं दोनों एग्जाम के लिए बनाया गया है, एमटीएस और जीडी के लिए। तो जीडी की वैकेंसी तो अभी आई नहीं है लेकिन वो भी आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इन दोनों एग्ज़ाम का प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, एक अल्टीमेट पैकेज है, ये भी 2499 का है, ठीक है। ये अल्टीमेट है, पूरा एसएससी का हर एक चीज़ कवर कर लेगा, चाहे आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, सीपीओ प्लस स्टेनो, कोई भी सभी के लिए, और प्री मेंस सभी के लिए है, और ये बायलिंगुअल है, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम के लिए, ठीक है। तो ये दोनों कोर्सेज बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स, इनमें से कोई एक आप परचेज कर सकते हैं, मैं दोनों परचेज करने नहीं कहूंगा, ठीक है। मेरे ख्याल से यही सही पड़ेगा क्योंकि इसमें सब कुछ कवर किया जा रहा है और बायलिंगुअल है, ठीक है। तो इन दोनों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग ऐप जरूर डाउनलोड कर लो, अगर अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो, ठीक है। तो आगे अपॉर्चुनिटीज कमी नहीं है फ्रेंड्स, एमटीएस है प्लस जो न्यू वैकेंसी में बात करो 70,000, कल नोटिस आप देखे ही थे, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा, अगर यहां पे आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपको लग रहा है सीएचएसएल आपका क्लियर नहीं होगा, तो कोई बात नहीं है, आप आगे बढ़ो, क्यों एक पीछे पड़े हो। एमटीएस के बाद ये भी आएगा ना, मान लो एमटीएस कम टाइम बचा, एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, आपकी प्रिपरेशन नहीं, कोई बात नहीं है, फिर जो 70,000 वैकेंसी इस पर फोकस करो ना, ये तो क्लियर कर सकते हैं, इसमें भी टाइम है, अभी इसका नोटिफिकेशन आएगा, फिर इसका एग्जाम होगा, तो काफी टाइम लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको होपलेस नहीं होना है, आगे की प्रिपरेशन करनी है, और जिनका लग रहा है जो आप एग्जाम में प्री का क्लियर हो जाएगा उन्हें मेंस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।